एवरीवन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूं प्रोटोजोआ तो तो का ये बी एस जुलॉजी की फर्स्ट सेमेस्टर की एथ यूनिट का टॉपिक है जिसे आज हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कुछ छूटेगा नहीं तो यहाँ से आप पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं डिटेल में तो प्रोटोजोआ जो होता है वो क्या होता है सूक्ष्म जीवी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये हैं अलग अलग टाइप के प्रोटोजोआ जो देखने को मिलते हैं ठीक है ये क्या होता है ये किस किंगडम से बिलोंग करता है तो प्रोटेस्टा किंगडम से बिलोंग करता है प्रोटेस्टा किंगडम से बिलोंग करने का मतलब क्या है कि ये यूनिसेलुलर है एक सेल के बने होते हैं इसी सेल के अंदर एक सेल के अंदर क्या होता है इसका पूरा मैकेनिज्म काम करता है वेदर इट इज रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन रिप्रोडक्शन सब एक ही सेल से करता है ठीक है इसी सेल में इस छोटा सा है तो इसको कम आंकने की ज़रूरत नहीं है ये जो छोटा सा सेल है उसी में क्या है सारी चीज़ें करने की उसके अंदर एबिलिटी है तो क्षमता बड़ी बात होती है किसी भी पर्सन को अपनी क्षमता बढ़ाते रहनी चाहिए तो ये हम क्या कर रहे हैं इसी में सारी प्रोसेस हो रही है चाहे रिप्रोडक्शन हो एक्सक्रीशन हो कोई भी प्रोसेस हो सारी की सारी इस छोटे से सेल के अंदर होती है यूनिसेलर होने के साथ साथ ये क्या होता है पैरासिटिक भी होता है पैरासाइट मतलब दूसरे की जो बॉडी के अंदर रह करके ये अपना जीवन बिताता है कभी कभी ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं जैसे कि यूगलीना युगलीना में क्या होता है ऑटोट्राफिक यानी कि ऑटोट्रॉफिक होने का मतलब क्लोरोफिल है इसके अंदर साथ ही साथ ये मिक्सोट्रॉफिक भी होते हैं मिक्सोट्रॉफिक कहने का मतलब होता है कि ये हेट्रोट्रॉफिक भी है यानी कि दूसरे के ऊपर क्या है डिपेंड करते हैं खाना खाने के लिए और साथ ही साथ क्या होता है जब जरूरत पड़ती है तो अपना खाना खुद भी बना लेते हैं तो ना ऑटोट्रॉफिक पूरी तरीके से है ना क्या है 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 दोनों है, तो इसलिए इसका नाम है। तो भी है, भी है, required, या food, उसके बाद हम देखते हैं कि ये भी है, है, मतलब कि दूसरे जीवों पे अपना क्या करते हैं बसेरा करते हैं पैरासिटिक हैं मतलब कि क्या कहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह करके उसका उसका न्यूट्रिशन लेकर के ये जीवित रहते हैं ह्यूमंस में जो प्रोटोजोआ है जैसे कि मलेरिया प्रोटोजोआ इसके पहले हमने जो दो पढ़ रखे हैं कौन सा ट्राइपेनोजोमा और जियाडिया तो ये दोनों हैं ये दोनों क्या है ट्राइपेनो, ये क्या है प्रोटोजोआ ये दोनों प्रोटोजोआ जो है ये पैरासिटिक इन नेचर है देन हम क्या देखते हैं कि ये क्या है साथ ही साथ क्या है यू कैरेटिक है यू का मतलब कि छोटे हैं एक सेल के तो बने हैं बट यू है मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है यानी कि ये क्या है यू कैरेटिक है तो ये जो टर्म है जो प्रोटोजोआ जो टर्म है वो किससे आया है कि ये प्रोटो मतलब क्या प्रिमिटिव और जुआ मतलब एनिमल तो धरती पे सबसे पहले आने वाले जो जीव है जिनको माना जाता है जिनकी संरचना हुई थी वो कौन थे प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा के प्रोटोजोन्स ठीक है ये इसका सब किंगडम है प्रोटोजोआ तो ये जो प्रोटोजोआ है मतलब प्रमिटिव ऑर्गेनिज्म इनकी लाइफ स्टार्ट हुई थी कहाँ इन द सी सी वाटर में इनकी लाइफ स्टार्ट हुई थी या ओशन वाटर में इनकी लाइफ स्टार्ट हुई थी अब हम पढ़ेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था इनकी क्लासिफिकेशन इसके बाद इसका क्या पढ़ेंगे हम पूरी क्या इनकी हिस्ट्री रही है कैसे किसने इसको डिस्कवर किया था क्या इनके जनरल कैरेक्टर्स हैं फिर इसके क्लासिफिकेशन में हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या के अंदर की टाइप्स हैं इनके और साथ ही साथ लास्ट हम क्या कौन कौन से जो हैं हार्मफुल होते हैं और कौन कौन हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं ये भी हम जानेंगे साथ ही साथ जो इंफेक्शन डिजीज कॉज करते हैं कौन सी प्रोटोजोआ कौन सी डिजीज कॉज करती है उसके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वॉट इज़ द टर्म प्रोटोजोआ मीन्स तो प्रोटोजोआ की स्टडी करने वाले को जो प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं उस टर्म को बोलते हैं प्रोटोजोलॉजी द सब्जेक्ट स्टडी इज नोन एज प्रोटोजूलॉजी जुलॉजी मतलब जानवरों की स्टडी हो रही है और प्रोटोजूलॉजी मतलब प्रिमिटिव ऑर्गेनिम्स की स्टडी हो रही है फिर उसके बाद यह जो सबसे पहले जो प्रोटोजोआ की स्टडी की थी वो किसने की थी लुवेन हॉक ने लुवेन हॉक जो है ये साइंटिस्ट इन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोआ को ढूंढना था और इसकी पूरी डिटेल स्टडी की थी बट जो प्रोटोजोआ टर्म है जो नाम है इसका प्रोटोजोआ वो किसने दिया था तो वो नाम जो है जॉर्ज अगस्त ने दिया था जॉर्ज अगस्त

लिखा है दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल बट क्लोरोफिल होता नहीं है लेकिन कभी कभी होता भी है किसमें यूगलिना के केसेस में तो आपको लिखना होगा कि दे हैव क्लोरोफिल लाइक इन केस ऑफ यूगलिना ये आप अलग से मैंशन कर सकते हैं फिर इसके एग्जाम्पल क्या है अमीबा अमीबा में देखा है ना कैसा शेप होता है अभी मैं दिखाऊंगी पैरामीशियम और ये क्या है पैरामीशियम स्लिपर शेल होता है और यूगलिना जो है यूगलिना कैसा होता है इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर होती है हमारी क्लोरोफिल इसी को हम बताएंगे कि कैसे इनका स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी क्या होती है कैसे ये दिखते हैं तो ये जो जीव है पैरामीशियम ये पैरामीशियम कैसा होता है स्लिपर स्लिपर आपने पहनी होगी ना तो ऐसे ही तो दिखती है तो स्लिपर एनिमल क्यूल भी इसका नाम होता है देन अमीबा अमीबा में अमीबा में आप देखते हैं कि कोई वेल डिफाइंड सेल वॉल नहीं है ये जो अपना स्ट्रक्चर है वो चेंज कर रहे हैं इसीलिए जो प्रोटोजोआ है उसको प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं क्योंकि एक ही सेल में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ना तो वो ऐसा कुछ शेप अपने आप को डिस्टॉर्टेड कर देते हैं जो आप देख रहे हो कि ये क्या है स्यूडोपोडिया बना रहा है सूडोपोडिया की मदद से यह क्या कर रहा है चल रहा है दिस इज द दूग्लीना इसके अंदर यहाँ पे ये ग्रीन पिगमेंट होता है इसी ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं क्लोरो

किसी किसी में दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं ये दो न्यूक्लियस अलग अलग साइज के होते हैं ठीक है ये बड़ा है ये छोटा है तो ये दो दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं दो से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं यानी कि पॉली यानी न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं इन अब प्रोटोजोआ मूवमेंट किससे करता है तो प्रोटोजोआ सूडोपोडिया बना करके मूव करता है ऐसे बनाएगा और फिर आगे बढ़ेगा फिर ऐसे सुडोपोडिया बनाएगा और आगे मूव करेगा तो ये सुडोपोडिया बना करके, दिस इज दूडोपोडिया ये क्या कर रहा है प्रोटोजो को ऐसे आगे की ओर बढ़ाता है और यहाँ पे मूव करता है आगे की ओर प्रोटोप्लांट तो क्योंकि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो मुझे पता है कि आप लोगों को अमीबा में बहुत इंटरेस्ट होगा और आपको पता है कि ये कैसे मूव करने वाला है क्योंकि बचपन से ही आप अमीबा को देखते आ रहे हैं उसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि सूडोपोडिया बना करके अपना क्या करता है खाना भी लेता है और इसी सूडोपोडिया से ये मूवमेंट भी करता है देन युगलीना युगलीना में आप क्या देख रहे हो कि दिस इज द फ्लैजिला फ्लैजिला क्या होता है बड़ा होता है बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू सीलिया ये देख रहे हो आप तो ये क्या है सीलिया इसके स्ट्रक्चर में सीलिया प्रेजेंट है बाहर जो है छोटे 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 रोए प्रते हैं इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीलिया ऐसे इसको मूव करके आगे पीछे क्या करता है रोटेट करता है पीछे की ओर कर रहा है आगे जाएगा आगे इस साइड मूव करने लगेगा अगर तो ये क्या होगा इस साइड मूव करने लगेगा ठीक है तो इस तरीके से ये सीलिया पूरी इसके बॉडी पे प्रेजेंट होती है फिर फ्लैजिला जो होता है ये बड़ा होता है थोड़ा साइज में और ये जो है तो ये एक फ्लाजिला प्रेजेंट होता है इन तो ये फ्लाजिला जो है यहाँ पे प्रेजेंट है फिर ये लोकोमोशन के लिए अलग अलग चीजों का यूज करते हैं कोई सुडोपोडिया यूज कर रहा है कोई सीडिया यूज कर रहा है कोई फ्लाजिला यूज कर रहा है फॉर दर लोकोमोशन मतलब मूवमेंट मतलब मूवमेंट मतलब होता है ये मैं क्या कर रही हूँ खड़ी हुए एक जगह पे हाथ चला रही हूँ दिस इज मूवमेंट अगर मैं यहाँ खड़े होकर के यहाँ से यहाँ चली गई या यहाँ से यहाँ चली गई इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ लोकोमोशन लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना जैसे प्लांट क्या करते हैं उनकी पत्तियाँ हिलती हैं एक जगह पे खड़े खड़े तो वो मूवमेंट कर रहे हैं लोकोमोशन मतलब कि यहाँ से यहाँ जाना दूसरे जगह पे अपना पूरी बॉडी खिसकाना दैट इज लोकोमोशन तो ये एक जगह से दूसरे जगह इन सब और इन सब चीजों की वजह से मूव कर रहे हैं सूडोपोडिया फ्लाजिला एंड सीडिया देन हम बात करेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में तो what are its general characters? मतलब basic characters इसके क्या होते हैं तो बेसिक कैरेक्टर्स मैंने ज्यादातर आपको बता ही दिए हैं कि ये क्या होते हैं यूनिसेलुलर यूनिसेलर मतलब एक सेल का बना हुआ है तो यूनिसेलर कहने का मतलब कि एक सेल का है यानी ए सेलुलर भी बोल सकते हैं या नॉन सेलुलर भी बोल सकते हैं क्योंकि एक ही सेल है ना पर्टिकुलर एक ही सेल में सारी काम हो रहे हैं तो ए सेलुलर या नॉन सेलुलर भी इसको बोलते हैं ये प्रोटोप्लाज्म होता है इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म मतलब इसके अंदर क्या होता है साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट तो होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है तो प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म भी इसको बोलते हैं प्रोटोजोआ को देन हम ये देखते हैं कि जो प्रोटोजोआ है वो एक्वाटिक यानी कि कॉस्मोपॉलिटन होता है जैसे कि मैंने बताया कि एक्वाटिक भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है ये हर जगह मिल जाता है हमको एक्वाटिक होने के साथ हवा में मिल जाएगा आपको ज़मीन पे मिल जाएगा इनफैक्ट किसी ऑर्गेनिज के अंदर भी एज अ पैरासाइट ये मिल जाते हैं तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर किसी बॉडी से अटैच भी हो सकते हैं अकेले घूम भी सकते हैं या फिर किसी बॉडी से अटैच भी हो सकते हैं और क्या होता है ये कभी कभी कॉलोनील भी होते हैं लिखा नहीं है मैंने ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि कॉलोनील भी होते हैं मतलब कि एक साथ रहते हैं समूह में झुंड में रहने की रहते हैं और रहना पसंद करते हैं समूह में या फिर अकेले भी रहना पसंद करते हैं सोलिटरी भी होते हैं तो ईदर दे आर क्या है ईदर दे आर इन कोलोनियल फॉर्म दे लिव इन कोलोनियल फॉर्म और दे लिव इन सोलिटरी तो ठीक है अलग भी रहते हैं इक्ल होते हैं तो अकेले घूमेंगे फ्री लिविंग होंगे या फिर क्या होता है, झुंड में भी ये मूव करते हैं झुंड में एक जगह स्टैग्नेंट भी रह सकते हैं देन इसकी साइज की बात करते हैं तो इसकी साइज क्या है 1 से दस माइक्रोमीटर की होती है यानी माइक्रोस्कोपिक है सूक्ष्म जीवी है एक से दस माइक्रोन मीटर की इनकी क्या होती है लेंथ या विथ होती है देन उसके बाद क्या है कि एक ऐसा क्या है प्रोटोजोआ है जिसकी साइज़ जो है इनसे बहुत ही वेरी करती है मतलब एक से दस होकर के पंद्रह तीस ऐसा डिफरेंस नहीं आता है ये क्या है एक सौ पचास माइक्रोन मीटर इन क्या है डायमीटर और लेंथ तो ये कौन है बी कोलाय बटीडियम कोलाय ठीक है बैलेंटीडियम कोलाई जो है ये कहां आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिला था दिस इज द कोलाई इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं क्योंकि ये और बाकी प्रोटोजोन से बड़ा है तो ये क्या होता है इसको दूसरे क्लासिफिकेशन में रखने की कोशिश की जा रही थी बट इसके बाकी कैरेक्टर्स किससे मिल रहे थे प्रोटोजोआ से मिल रहे थे दैट इज ये क्या है यू है यूनिसलर है और ये क्या है बहुत ही सूक्ष्म है ठीक है माइक्रोस्कोपिक है ना यूनिसेलर है तो क्या होंगे माइक्रोस्कोपिक होंगे छोटे ही होंगे फिर इसी सेल के अंदर ये सारा फंक्शन होता है तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बी देन ये क्या होते हैं नेकेड कोलाइस से विजिबल नहीं होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं साथ ही साथ इनका जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है या तो वो क्या होते हैं कोई कवरिंग नहीं होगी नेकेड होंगे या तो क्या होगा इनके अंदर पैलिकल इसके बाहर जो कवरिंग है वो पैलिकल की बनी होगी पैलिकल की कवरिंग होगी या क्या हो सकती है कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग हो सकती है या फिर कवरिंग हो सकती है सिलिकन

ठीक तो ये मैंने पिछले साइड में बताया है अगर आप आंसर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा लोकोमोशन में इसका क्या होता है मूवमेंट होता है हेल्प करता है फिर डाइजेशन इसकी कैसे होती है अब खाना पचेगा क्योंकि ये लिविंग है तो खाना जाएगा और खाना को पचना भी होगा तो ये फूड वैक्यूल्स के थ्रू खाना लेते हैं और फूड वैक्यूल्स में इनका इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है मतलब अंदर खाना क्या करते हैं सूडोपोडिया से मान लो अमीबा है तो सूडोपोडिया से ले लिया अंदर और सूडोपोडिया में फूड वैक्यूल में ये खाना चला जाता है और फ्रेगमेंट होकर के छोटे छोटे पार्ट में बट करके ये क्या होता है कि डाइजेस्ट होता है फिर ये जो फूड वैक्यूल्स हैं डाइजेशन में हेल्प कर

इक्विलिब्रियम मेंटेन करना मतलब क्या के अंदर, उसको में जो कंसेंट्रेशन है और या तो बहुत ज्यादा हम क्या करें अंदर से भी पानी को बाहर ना निकालें नहीं तो क्या हो जाएगा श्रिंक कर जाएगा वो तो उसके जो छोटे छोटे ऑर्गेन वो क्या हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो इसके लिए इस ऑस्मो रेगुलेशन करना जरूरी है सेल पूरी अच्छी साइज में रहे इसके लिए क्या होता है ऑस्मोरेगुलेशन होता है ऑस्मोरेगुलेशन का यूज़ ये कहाँ करता है ये एक्सक्रीशन के लिए भी ऑस्मोरेगुलेशन का यूज़ करता है जो फूड डाइजेस्ट हो गया कि भाई अब तुम्हारा काम नहीं है बाहर के डाइजेस्ट हो गया हो तुम तो ऑस्मोरेगुलेशन का यहाँ पे यूज़ होता है ऑस्मोरेगुलेशन के लिए का हम क्या करते हैं इक्विलिब्रियम बॉडी के अंदर मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का यूज़ करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी फूड वैक्यूल्स जैसे ही होते हैं बस फूड वैक्स डाइजेशन का काम करती है उसके अंदर कुछ एन्जाइम्स रिलीज होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं और कॉन्टेक्टाइव वैक्सीो इनको अंदर से बाहर पहुंचाने का काम करती है कि अब आपको बॉडी सर्फेस से बाहर निकलना है एक्सट्रेशन के लिए भी हेल्प करती है और गैसिय एक्सट्रेन में भी कभी कभी हेल्प करती है देन प्रोटो तो जो द साइटोप्लाज्म डिफ्रेंशिएटेड इन टू तो प्रोटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड होता है एक होता है एंडोप्लाज्म और एक होता है एक्टोप्लाज्म यानी कि जो प्लाज्मा है यानी कि जो साइटोप्लाज्म है, वो एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म में क्या है डिवाइडेड है अब एक्टो नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है बाहर आउटर कवरिंग और एंडो इनसाइड, यानी एंडो मतलब क्या हो गया एंडोप्लाज्म मतलब इनसाइड है ये अंदर की ओर प्रेजेंट है तो जो अंदर की कवरिंग है उसको बोल रहे हैं एंडोप्लाज्म और जो ये क्या है अंदर का एंडोप्लाज्म और जो बाहर का कवरिंग उसको है उसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म तो ये जो प्रोटोजोआ है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है एक एंडोप्लाज्म और दूसरा एक्टोप्लाज्म फिर ये न्यूट्रिशन कैसे करते हैं तो या तो ये पैरासिटिक होंगे पैरासिटिक मतलब कि दूसरे के ऑर्गेनिज्म के अंदर शरीर के अंदर रह करके कोई मेहनत नहीं करना है पड़े रहना है खाना आ रहा है खाओ पचाओ शांति से बैठे रहो दूसरा क्या करते हैं सैप्रोफिटिक मतलब कि डेड या डिकेइंग एनिमल को क्या करते हैं पकड़ते हैं और उनसे अपना भोजन लेते हैं पकड़ते क्या है वो तो मर गया ना तो मर गया तो मरे सड़े गले चीजों से अपना भोजन लेना दैट इज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो ये क्या होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं ऑटोट्रॉफिक होने का मतलब इनके अंदर क्या होता है इनके अंदर होता है क्लोरोफिल एक जगह मई मैं, मैंने कहीं देखा कि यहाँ लिखा हुआ था कि इनके अंदर क्या नहीं होता है इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता ऐसा नहीं है कुछ ऐसे प्रोटोजोआ भी हैं जो क्या होते हैं उनके अंदर क्या होता है क्लोरोफिल मौजूद होता है जैसे कि यूगलिना और मिक्जोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी करते हैं यानी केमिकल की हेल्प से भी अपना न्यूट्रिशन कर लेते हैं अगर कोई इनको शिकार नहीं मिल रहा है फिर होलोजोइ मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं यानी एनिमल्स की तरह पूरा पूरा इनगल्फ कर लेते हैं फूड को एक बार में जैसे कि अमीबा करती है तोड़ तोड़ के नहीं खाने एक बार में इनगल्फ कर ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं होलोजोइ देन क्या है परफॉर्म तो करते हैं मतलब खुद से अपना भोजन प्रिपेयर कर लेते हैं अगर तो. Then, हम यहाँ देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है तो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन क्या होता है कि ये किस किंगडम से बिलोंग करती है तो इसको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन आर एच विटकर ने दिया था इन्होंने बताया था कि ये प्रोटेस्टा किंगडम से बिलोंग करती है प्रोटेस्टा में वही जीव आते हैं जो कैसे होते हैं यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर होने के साथ साथ कैसे होते हैं यू यानी न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है जैसे कि मैंने बताया था कि न्यूक्लियस क्या होता है या तो एक न्यूक्लियस होगा जैसे अमीबा में है या तो दो न्यूक्लियस होगा जैसे कैसे था पर, जो हमारा एसलीपर एनिमल क्यूल था यानी कि पैरामीशियम उसकी तरह या फिर मल्टीपल भी हो सकते हैं तो पैरामीशियम की एक वैरायटी है उसमें मल्टीपल क्या होते हैं न्यूक्लियस तो वो भी क्या है प्रोटोजोआ है तो उसमें क्या होता है मल्टीपल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं क्योंकि यू कैरोटिक है तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा और एक सेल में ही सारा हो रहा है यूनिसेलर होते हैं इसके बाद इसका आता है एक सब किंगडम सब किंगडम इसका कौन सा है सब किंगडम जो है वही है जो हम पढ़ रहे हैं प्रोटेस्ता प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ जो है इसका क्या है सब किंगडम देन इस जो इसके अंदर जो है चार टाइप के हम क्या पढ़ेंगे फाइलम तो चार टाइप के फाइलम जो है प्रोटोजोआ के अंदर हम पढ़ेंगे ये चार टाइप के जो फाइलम है वो कौन से हैं एक हो गया हमारा क्या सीलियोफोरा एक हो गया हमारा स्पोरोजोआ और इसके बाद जो दो हैं राइजोपोरा और जूमेस्टिगोफोरा इन दोनों इन चारों के बारे में हम डिटेल में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है तो स्पोरोजोआ जिसमें क्या हो रहा है स्पोर लाइक शेप है छोटे छोटे हैं इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम छोटा सूच में जीवी होता है और ये क्या कॉज करता है ये कॉज करता है मलेरिया देन उसके बाद ये कॉमनली पैरासिटिक होते हैं जैसे कि मलेरिया क्या है पैरासाइट है हमारे अंदर तो प्रोटोजोन पैरासाइट जो होते हैं वो होते हैं स्पोरोजो फिर ये होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गेन के लिए कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स यूज करते हैं देन बॉडी जो होती है पैलिकल की कवरिंग होती है उनके आउटसाइड एंडो पैरासिटिक होते हैं क्योंकि पैरासाइट है और शरीर के अंदर रह करके पैरासाइट का, का काम कर रहे हैं परजीवी का, का काम कर रहे हैं हमसे ही न्यूट्रिशन ले रहे हैं और बॉडी में आराम कर रहे हैं तो वो सारे प्रोटोजोआक इसमें आ जाते हैं स्पोरोजोआ में जिसकी बाहर की कवरिंग क्या है पेलीकल इसका एग्जाम्पल क्या हो गया तो हमारा वेल नोन एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जो है इसमें मौजूद है और मोनोसिस्टिस भी इसके अंदर मौजूद है ठीक है फिर हमारा आता है सीलियोफोरा सीलियोफोरा मतलब क्या नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होगा इसके पास सीलिया होगा अब सीलिया किसके अंदर था पैरामीशियम के अंदर था तो पैरामीशियम क्या है देखिए ये पैरामीशियम है ये प्लाज्मोडियम है कंफ्यूज नहीं होना है प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉस करता है एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये सब नाम सुना ही होगा फिर पैरामीशियम जो है वो पैरामीशियम कहाँ होता है अभी इसके पहले स्लीपर एनिमल मलक्यूल जो मैं दिखा रही थी कि स्लीपर शेप इन था तो उसमें सीलिया बाहर कवरिंग थी ना एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि ये है स्लीपर एनिमल क्यूल ये है हमारा पैरामीशियम इसके बाहर सीलिया प्रेजेंट था तो यही जो है सीलियोफोरा में आते हैं जो कि क्या होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं ठीक है फ्रेश वाटर होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं और कभी कभी सॉल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं सॉल्टी वाटर यानी कि मरीन लाइफ भी ये जीते हैं इसका एग्जाम्पल हमारा हमारा था क्या वॉलवॉक्स और वॉलवॉक्स वॉलवॉक्स के साथ साथ क्या है पेरामीशियम सॉरी वोरिसला देन इट्स बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ बीटिंग सीलिया सीलिया है तो सीलिया के वजह से ये क्या कर रहे हैं मूवमेंट कर रहे हैं इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो दो तरीके का है जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पैराम के अंदर दो न्यूक्लियस था एक बड़ा न्यूक्लियस था जिसको बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस न्यूक्लियस एक छोटा न्यूक्लियस था जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस तो जो माइक्रो न्यूक्लियस था वो ऊपर प्रेजेंट था और जो माइक्रो न्यूक्लियस था वो नीचे प्रेजेंट था बड़ा फिर तो उसके बाद जो बॉडी है वो, वो भी किससे कवर्ड है पैलिकल दोनों में ही बॉडी किससे कवर्ड है पैलिकल से ही कवर्ड है ये क्या है पैरासिटिक है इसका एग्जाम्पल है प्लाजमोडियम और ये है हमारा पेरमिशियम इसके बाद आता है राइजोपोडा के बारे में पढ़ते हैं तो राइजोपोडा का हमारा एग्जाम्पल आ जाता है अमीबा द वेल नोन अमीबा तो ये किससे मूव कर रही है सुडोपोडिया से मूव कर रही है उसके बाद दीज ऑर्गेनिज ये अमेबॉइड शेप के होते हैं मतलब कोई शेप नहीं होता है ये मूवमेंट करते हैं अपने प्रोटोप्लाज से और क्या करते हैं कोई भी शेप बना लेते हैं तो कोई फिक्स शेप नहीं होता है फॉल सूडियो सूडोपोडिया मतलब फॉल्स लेग्स इसके होते हैं लेग्स जो होते हैं वो असली लेग तो होते नहीं है तो सूडो मतलब क्या होता है फॉल्स फॉल्स लेग्स बना करके ये अपना मूवमेंट करते हैं देन ये क्या खाते हैं तो फंजाई को खाते हैं किसी भी छोटे मोल्ड्स को खाते हैं फंजाई को खाते हैं स्मॉल स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स को खाते हैं और क्या कहते हैं साथ साथ प्रोटिस्टा कुछ अलग प्र, अलग प्रजाति के प्रोटेस्टा को भी ये है, खाते हैं देन रिप्रोडक्शन बाई मीन्स ऑफ सेक्शुअल और ए सेक्शुअल रिपोडक्शन तो अमीबा जो है बाइनरी फीजन करता है तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये और साथ ही साथ किसी किसी में क्या देखा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है इसका एग्जाम्पल हो जाता है अमीबा और एंटा अमीबा ये क्या है मोस्टली फ्री लिविंग है ये फ्री होते हैं इन्वामेंट में फ्रीली मूव करते हैं स्विम करते हैं और क्या करते हैं अपना सारा प्रोसेस मूव करते हैं एक सेल से ही अपनी पूरी प्रोसेस कर रहे हैं देन इसके बाद हम पढ़ते हैं जूम एस्टिगोफोरा जूम में क्या आ जाता है हमारा Trypanozoma. Trypanozoma, जो था ट्राइपेनोजोम ये, ये जो जीव है ये किस में आता है जू है. तो सबका एक एक याद कर लेना है कुछ जनरल कैरेक्टर्स याद कर लेने हैं कर लेने हैं अगर आप इसका एग्जाम्पल भी याद रखते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि इसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं तो ट्राइपेनोजोमा जिसने पढ़ा होगा ये बता देगा कि ये क्या है पैरासाइट है पैरासाइट है और कैसा पैरासाइट है फ्री लिविंग है फ्री लिविंग भी हो सकता है किसी बॉडी में फ्री लिविंग भी हो सकता है और किसी बॉडी में पैरासाइट की तरह भी रह सकता है देन क्या है फ्लैजिला हो सकता है इनके बॉडी में फ्लैजिला जो होता है एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला हो सकता है जैसे कि ट्राइपेनोजोमा के स्ट्रक्चर में आप देख रहे थे कि ट्राइपेनोजोमा के स्ट्रक्चर में क्या देख रहे थे कि एक फ्लैजिला जो था उसके बॉडी से अटैच था ठीक है ये आपका मान लीजिए जो फ्लैजला था ऐसा ये इसके बॉडी से अटैच था ठीक है ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो ये इसके बॉडी से ये जो फ्लाजिला था ये मूवमेंट में हेल्प कर रहा था और ये अटैच था तो फ्लाजिला होता है एक फ्लाजिला भी हो सकता है एक से ज़्यादा फ्लाजिला भी हो सकते हैं देन जो बॉडी कवर्ड होती है वो सेलुलोज या सिलिका से इसकी बॉडी कवर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लॉन्गिटूडनल बाइनरी फीजन से जैसे कि ट्राइपेनोजोमा में हमने लॉन्गीट्यूडनल बाइनरी फीजन देखा था इसके अलावा हमने क्या देखा कि ये पैरासिटिक है साथ ही साथ पहला वाला जो था जिसका एग्जाम्पल क्या था प्लाज्मोडियम वो भी क्या था वो भी था हमारा पैरासिटिक इन नेचर पैरासिटिक इन नेचर तो चार एग्जाम्पल हो गए एक हो गया चार टाइप्स हो गए राइजोपोडा जोमेस्टिकोफोरा इसी के साथ साथ स्पोरोजुआ और सीलियोफोरा देन वॉट आर इट्स एडवांटेज हाउ इट इज यूज हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर फॉरस्ट कोई भी जीव है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो या तो वो हार्मफुल होगा या तो क्या होगा बेनिफिशियल होगा मैनकाइंड के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये हमसे रिलेटेड है किसी ना किसी तरीके से तो ये हार्मफुल भी है मतलब बीमारी भी कॉज करता है साथ ही साथ कुछ मामलों में ये बेनिफिशियल भी देखने को मिला है मतलब कि ये हेल्प भी करता है हमारी तो हेल्प कैसे कर रहा है या तो ये क्या कर सकता है इंसेक्ट की लार्वा को खा सकता है उस इंसेक्ट के लार्वा को खा लेगा तो वो जो इंसेक्ट हमारा जो था वो क्या वाला था? करने वाला था डिस्ट्रक्शन करने वाला था क्रॉप का या किसी भी चीज़ का उसके बॉडी के अंदर ये चला गया उसकी डेथ हो गई तो उससे इसने क्या कर लिया क्रॉप को बचा लिया फिर ये क्या कर सकते हैं अगर ये वाटर में एक्वाटिक बॉडी में मौजूद हैं तो वहां की जो बाकी जीव है जो क्या कर सकते हैं बीमारी कॉज कर सकते हैं तो उनको ये फीड करते हैं तो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स और या फिर अलग दूसरे तरीके के प्रोटेस्टा पे फीड करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को क्या करते हैं बिताते हैं तो अगर ये हमें नुकसान करने वाले जीवो उखा रहे हैं तो अच्छा है ना तो इसीलिए ये क्या है बेनिफिशियल है देन सेवरल प्रोटोजोआ कंट्रोल द हार्मफुल हार्मफुल इंसेक्ट से ये मैंने बता दिया कि हार्मफुल इंसेक्ट के अंदर रहते हैं और इससे हमें क्या करते हैं बचाते हैं वाटर में रह करके के क्या करते हैं वाटर पोल्यूशन से ऑर्गेनज uh, को फीड करके बचाते हैं जैन प्रोटोजोआ प्रोवाइड फूड फॉर इंसेक्ट लाभ तो प्रोटोजोआ जो होते हैं इंसेक्ट लार्वा के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं और ये जो बॉम जो है उनको कौन खाता है तो ये जो प्रोटोजोआ इनको खा रही है बॉम बॉम को कौन खाता है छोटी मछलियाँ छोटी मछलियों को कौन खाती है बड़ी मछलियाँ और बड़ी मछलियों को कौन खाता है हम तो अल्टीमेटली ये फूड चेन में हमारे तक क्या हो रहा है न्यूट्रिशन पहुँचाने का काम कर रहा है तो फूड चेन का ये एक पार्ट है इसीलिए ये क्या है मैन के लिए इनडायरेक्टली ये क्या है लिंक्ड है और बेनिफिशियल है ठीक है इसके बाद हार्मफुल इफेक्ट इसके ज्यादा देखने को मिलते हैं या तो डिजीज कॉज करता है या कुछ भी ऐसा क्रिएट कर देता है ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से हम क्या हो जाता है हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है जैसे टर्माइट्स टर्माइट्स का नाम आप सबने सुना होगा और देखा भी होगा दीमक दीमक जो होती हैं ये क्या बनाती हैं बाम्बी बनाती है और इसके अंदर ये रहती हैं और जो दीमक है वो क्या करती हैं लकड़ियों पे लग जाती हैं और लकड़ियाँ क्या करती हैं पूरी खा जाती हैं अब यह जो लकड़ी है अब इनको डाइजेस्ट कैसे हो रही है ये डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहे हैं हमारे प्रोटोजोआ तो कौन सा प्रोटोजोआ है जो हेल्प कर रहा है तो ट्राइको निम्फा और साथ ही साथ कोलोनिम्फा ये जो दो प्रोटोजोआ है ये इसके गट में मौजूद है मतलब कि ये जो हमारा टर्माइट है यानी कि दीमक है दीमक के पेट में मौजूद है और इसका जो सेलुलोज है जो लकड़ी से आ रहा है प्लांट है ना लकड़ी क्या है प्लांट ऐसे आ रही है तो उसका सेलुलोज डाइजेस्ट करने में ये प्रोटोजोआ उनकी हेल्प कर रहे हैं मतलब हमारा नुकसान लकड़ी का नुकसान फर्नीचर का नुकसान हमारा नुकसान तो ये हमारे लिए हार्मफुल ऐसे हो जाते हैं देन अगर क्या हैं पॉल्यूशन ऑफ वाटर इसके पहले आपने बेनिफिट्स में भी देखा कि ये क्या है कि यूजफुल भी है बट दूसरे ऑर्गेनि को तो खा जा रहे हैं अपने तो वो कंटामिनेट कर रहे हैं ना और बहुत जल्दी ये रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करने की वजह से बॉटल में बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में ये, ये मल्टीप्लाई कर जाते हैं जिसके कारण क्या होता है वाटर पॉल्यूशन होता है कंटामिनेट हो जाता है वो वाटर अगर हम ड्रिंक कर रहे हैं तो वो बीमारी हमारे साथ वो प्रोटोन हमारे शरीर में जाएगा और वो एज अ पैरासाइट रह सकता है देन ये क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को हार्म करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को ये कैसे हार्म करेंगे भाई ये ऐसे हम हाँ करते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो क्या कर रहे हैं नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं हमारे प्लांट के लिए अब प्लांट को नाइट्रोजन मिल रहा है तो वो ग्रो कर रही है ग्रो कर रही है अच्छे से ग्रो कर रही है फसल दे रही है अब ये जो प्लांट है ये तब ग्रो नहीं कर पाती हैं जब इनको नाइट्रोजन नहीं मिलता है और ये नाइट्रोजन देने के वाला कौन था ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसको कौन खा जा रहा है इसको हमारे प्रोटोजोआ क्या कर रहे हैं खा जा रहे हैं अब वो है ही नहीं तो नाइट्रोजन फिक्स ही नहीं करेगी नाइट्रोजन फिक्स ही नहीं करेगी तो प्लांट उगेगा ही नहीं तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो गई कम हो गई किसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के खा लेने की वजह से कौन खा रहा है इनको प्रोटोजोआ खा ले रहे हैं तो ये क्या है इसका हार्मफुल इफेक्ट्स है देन हम क्या पढ़ेंगे ये तो है डिजीजेस के अलावा क्या क्या इसका पैरासिटिक जो हैबिटेट है मतलब अगर ये पैरासाइट है तो उसके अलावा ये क्या काम कर रहा है और पैरासाइट है अगर तो कुछ कॉमन डिजीज ह्यूमंस में है जो कि क्या है बहुत ही डेंजरस है तो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं कुछ एग्जाम्पल आप भी बता सकते हो क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है और साथ ही साथ आप पढ़ते भी आ रहे हो डिजीजेस तो पहले है हमारी अमोबियासिस यानी कि अमीबा से होने वाली बीमारी है अमीबा में कौन सी बीमारी है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका ये जो स्पीसीज़ है हिस्टोलिटिका ये क्या कॉज करती है अमोबियासिस यानी अमीबा लाइक जो डिजीज़ होती है ऑर्गनिज्म होता है वो क्या करता है अमोबियासिस डिजीज़ कॉज करता है ये क्या होता है कि आपके इन्फेक्शन हो जाता है कोलन रीजन में और क्या होता है डायरिया डिसेंट्री जैसी बीमारी हो जाती है मतलब पेट खराब हो जाता है बेसिकली मतलब कि ये गट से रिलेटेड बीमारी है देन स्लीपिंग सिकनेस इसके बारे में आप बहुत ही अच्छे से जान चुके होंगे अगर आपने ये टाइपेनोजोमागैम्बियंस के बारे में पढ़ा होगा ये जो स्लाइड है मैंने आ, जो इसे जो, ये जो टॉपिक है वो मैंने पढ़ा दिया है उसके बारे में आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं वहाँ से ट्राइपैनोजो गैम्बियन जो है स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है इसमें बहुत ही पर्सन को नींद आती है फिर जब नींद आने से के बाद क्या होता है सीरियस स्टेज आती है यानी कि पूरे टाइम वो पर्सन सोता रहता है अल्टीमेटली ब्रेन डेड या कोमा में चले जाता है एटलास उसकी डेथ हो जाती है तो ये इसी ये प्रोटोजोन है इस प्रोटोजोन से ये बीमारी हो रही है स्लीपिंग सिकनेस देन जी तो ये जी या डी नामक प्रोटोजोआ से होता है तो ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा दिया है ये भी एक प्रोटोजोआ है और ये जी आर करता है यानी कि पेट खराब हो जाना डायरिया डिसेंट्री होना वोमिटिंग होना वेट लॉस होना ये सब क्या होता है इंटेस्टाइन में ये ये प्रोटोज़ोआ रहता है और बीमारी काज़ करता है देन हम पढ़ेंगे हमारा मलेरिया तो मलेरिया जो है वो क्या कर रहा है वो काज़ कर रहा है वो प्लाज्मोडियम द्वारा काज़ होता है जो कि मच्छर के अंदर एनाफिलीज मच्छर के अंदर जो कि फीमेल के अंदर ही आते हैं और बीमारी ये फीमेल जब भी ये वैक्टर की तरह काम करती है किसी भी इंसान को काटेगी उसके अंदर ये पैरासाइट चले जाएंगे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और क्या हो जाएगा उस पर्सन को मलेरिया हो जाएगा और मलेरिया में क्या होता है कोल्ड चिल्स आती है मतलब टाइम टू टाइम चौबीस घंटे के बाद क्या होते हैं आपको ठंड लगती है ठीक है हाई फीवर होता है और ठंड लगती है वीकनेस हो जाती है बॉडी में उसके बाद आता है हमारा अमेरिकन ट्राइपेनोजोमिया तो अमेरिकन ट्राइपेनोजोमिया जो है ये एक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि उस पर्सन को यहाँ पे फफोले पड़ जाते हैं किसी भी रीजन में जहाँ पे इसने काट रखा है वहाँ पे क्या होते हैं इसको फफोले पड़ जाते हैं तो अमेरिकन ट्राइपेनोजोमिया जो है अमेरिका में ही क्या होता है ज़्यादातर देखने को मिलता है ये किसके द्वारा कॉज होता है तो ये ट्राइपेनोजोमा क्रूजी के द्वारा क्रॉज होता है कॉज होता है तो ट्राइपेनोजोमा की ही एक स्पीशीज है गैम्बियनसी और दूसरी है क्रूजी सी आर यू जेड आई ई क्रूजी तो क्रूजी जो है ये क्या क्या कॉज करती है ये कॉज करती है हमारी अमेरिकन ट्राईपेनोजोमिया क्योंकि अमेरिका में ज्यादा होती है इसीलिए इसका नाम अमेरिका से पड़ गया है और ये इसमें क्या होता है कि ये पर्सन जो होता है उसको सीजर्स आते हैं मतलब दौरे पड़ सकते हैं और ब्रेन में ये जो है जा सकता है ये वॉर्म है ये किसिंग बग से फैलता है और ये जो ट्राईपेनोज वहाँ गैम्बियंस है ये जो है ये किससे फैलता है ये सीसी फ्लाई से फैलता है और ये फैलता है किसिंग बग से उस अगर उसने एक्सक्रीट कर दिया आपके सेल पे तो उस एक्सक्रीटा से वो चला जाता है हमारे सेल में यहाँ फफूले पड़ जाते हैं किसी भी जगह जहाँ वो काटा है वहाँ फफूले पड़ जाएंगे और उसके थ्रू वो अंदर चला जाता है इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है इसके साथ आप अलग अलग डिजीजेस के नाम भी लिख सकते हो जैसे क्या आप लिख सकते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और कौन कौन सी डिजीजे इस प्रोटोजोआ से हो सकती है एक है काला ज्वर तो काला ज्वर जो है वो किस प्रोटोजोन से होता है उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसको डमडम डिजीज के नाम से भी जानते हैं इसी के साथ ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ टिल देन पढ़ाई करते रहिए थैंक यू